सो यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस एडिस वाले व्लॉग में। फाइनली मैं बोल पाएंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। सीता पाणी एक जादे तमागार लेक रमाना कील से गे चलो बैठ घड़े तीन टूट गया करो मेरे से आजो तीन आजो सुबह इस गोल्डी में इधर खड़े हैं भाई मैंने कब का बांधा है अच्छा क्या हाल है ठीक है भाई मन नहीं कर रहा मैं आप रो मत यार बॉयज हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है 11:02 पे और जो ये फीलिंग है ना यार मैं कैसे समझाऊं तुम्हें सबसे पहली बात तेरे मम्मी ऐसे रो रही है ना यार मेरा दिल ना बहुत छोटा सा हो गया इस टाइम सही बता रहा हूँ मैं वहाँ पे तो हंस के आया हूँ बट मेरा अभी ना दिल बहुत छोटा सा हो रखा है मेरे ऊपर ना बहुत प्रेशर है भाई कोई डाल नहीं रहा पर मैं खुद से बहुत प्रेशर ले रहा हूँ पता है क्यों क्योंकि यार बहुतों की उम्मीद जो मुझे जानते हैं ना बहुतों की उम्मीद है यार मैं कुछ बनूँ लाइफ में तो तुम लोग सपोर्ट करो यार यहाँ पे एक सरप्राइज मिला मुझे सैंडी भैया भी आ गया चलो ठीक है मिलते हैं ध्यान से जाना है ठीक है अभी ना मेरे को सैंडी भैया मिल गए थे पीछे तो भाई ये अनएक्सपेक्टेड था सैंडी भैया आ गए थे वहाँ पे अपन ने आधे घंटे बात की एंड अभी पूरे के पूरे 10:30 10:30 हो रखे हैं भाई मेन हाईवे पे ऐसा जाम तो ये ट्रकों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही भाई आधा घंटे से लाइन में फंसे हुए तो वो इस अभी हम रुके था मेरठ से 40 किलोमीटर पहले फटाफट से ना क्लस वगैरह पहन के निकलते हैं हमारा प्लान बन रहा है भाई मेरठ में ही रुकने का क्योंकि गोल्डी भी और मैं बहुत टायर्ड फील कर रहे अभी देखते हैं मेरठ में कोई होटल वगैरह मिल गया तो वहीं रुक जाएंगे यहाँ पे अभी हम लोग भटक रहे हैं मेरठ के अंदर सिर्फ होटल रूम के लिए अभी ना मैप में देखा है होटल वगैरह तो मैप में तो यहीं कहीं से लोकेशन शो कर रहा है बट जिस लोकेशन पे अभी अपा है ना यार ये पूरा लोकेशन मुझे फौजी इलाका है और मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे मेरे को होटल वगैरह कुछ मिलेगा तो वो इस किस्मत देख लो यहाँ पे रुके थे होटल के पास भाई कोई बंदा आने को तैयार ही नहीं है ना इनका फोन लग रहा है उधर भी ताला लग रखा है इधर भी वी आर रेडी टू मूव यहाँ पे ना सब कुछ एकदम प्रॉपर पहन लिया मेरे ना फोन में एक दिक्कत आ गया जो कि मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा सो बॉयज मैं यहाँ पे रुका था नेशनल हाईवे और यहाँ पे ना मेरे को एक चीज की दिक्कत आ गई वो है ये दिख रहा है छोटा सा नट भाई ये जो सैडल बैग जब सैडल स्टे लगवाया था ना जुगाड़ करके मेरे ख्याल से बंदे ने टाइट नहीं की और अब इसका पूरा नट सेट ही गिर चुका है और जो ये पूरा साइलेंसर है बस हवा में लटक रखा है बाकी है मॉर्निंग का नजारा देखो भाई साहब सभी रुके हैं मुरादाबाद से पीछे इन दोनों बाइक का ना फ्यूल अप करवाने के लिए क्योंकि इन दोनों में ही फ्यूल नहीं है तो वो इस अभी का सीन में बता देता हूँ हम लोगों ने फिल अप वगैरह करवा के अब चल रहे सीधा मुरादाबाद की तरफ और अभी अपन ना मुरादाबाद से ऑलमोस्ट 20 से 30 किलोमीटर पीछे है एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बॉयज जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है और जो मुझे देखते हैं भाई तुम्हारे लिए ना भाई लव यू यार चुम्मी वाला क्योंकि तुम लोग अभी तक मुझे देख रहे हो 2 मिनट में सारा कुछ निकाल के रख देते हो भाई मजा मिलता है हाँ भाई सो बॉयज अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से बरेली के लिए बरेली यहाँ से बस 40 किलोमीटर है मैंने बस अपने यार दोस्त से मिलने आया था मिलना जुलना भी हो गया अब चलते सीधा बरेली प्लान बन रहा था हम लोग बरेली में जाके स्टे वगैरह करेंगे होटल लेके रुक जाएंगे थोड़ा नींद वगैरह पूरा कर लेंगे पर ये प्लान था हमारा रात को या सुबह करीब 3-4 बजे जो कि प्लान ड्रॉप हो गया पता है क्यों क्योंकि हम लेट हो गए और हमारे को होटल मिला नहीं तो अब हमारा प्लान बन गया सीधा लखनऊ जाने का यानी कि एक दिन के अंदर 700 किलोमीटर पर ट्रैवल मारने वाले हैं तो अभी का सीन ये है कि अपा पहले जा रहे थे लखनऊ अभी भी लखनऊ जा रहे हैं बट लखनऊ से थोड़ा सा 20 किलोमीटर हट के जा रहे हैं दीदी बुआ के पास तो अभी मैंने ग्लव्स निकाल दिया यार बहुत हैवी सा फील हो रहा था और अभी ना ग्लव्स निकाल के थोड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है बस यहाँ से 200 किलोमीटर रह गया फिर अपा जाएंगे सीधा मासी के घर वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर देन उसके बाद शाम को निकलेंगे अपा लखनऊ के लिए एक तो भाई आज का मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है कसम से बता रहा हूँ मैंने 3-4 बार झपकी आ गई थी बाइक पे ही भाई साहब अब आ रहा है मजा भाई राइडिंग का मैं बस इंतजार कर रहा हूँ लखनऊ के बाद का क्योंकि लखनऊ के बाद ना भाई सारा पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाने वाला है साइड में भी देख लो भैया साइड में भी देख लिया करो भाई एक तो यहाँ के लोग ऐसे से है ना एकदम से मुड़ जाते हैं बीच में ही और मुझे नहीं पता भाई ये कौन सा इलाका है बट यार इस इलाके में भाई मैं जब से इस इलाके में एंटर हुआ ना मुझे नहीं पता यूपी है ये क्या है ये ऐसे ऐसे बंदे मिल रहे हैं ना भाई पागलों की तरह रोड पे आ रहे हैं कोई आगे पीछे कुछ नहीं देखना इंडिकेटर कुछ नहीं भाई सीधा पागलों की तरह रोड पे आ रहे हैं क्या हुआ ये रास्ता दिखा रहा था ये तो कच्चा पड़ा है कोई नहीं चल लो क्या शॉर्टकट होगा सो बॉयज निकलते हैं यहाँ से
सिर्फ सिर्फ 145 से 30 किलोमीटर के अराउंड रह गया होगा। गूगल ने ये कुछ रास्ता दिखाया है अजीबोगरीब, अच्छा रास्ता है, बढ़िया शॉर्टकट है। अभी गांव के अंदर से जा रहे हैं, कब से अपन हाईवे वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं यार गांव के अंदर से कैसा नजारा मिलने वाला है। बहुत ज्यादा गलत किया भाई ये रास्ता चुन करके, एक तो ये इतने सारे गड्ढे वड्ढे और ऊपर से इतने सारा धूल मिट्टी है ना, हम पहले से ही गंदे हो रखे हैं, फिर इसके बाद तो और ज्यादा गंदे हो जाएंगे। जो लोगों के रिएक्शन होते हैं ना कसम बहुत अच्छे होते हैं भाई। वो इस अभी निकलते हैं यहाँ से, पानी पीने के लिए रुके थे एंड इसकी गोप्रो की बैटरी मैंने चेंज कर ली है। एक्चुअली जोन सी बैटरी मैंने लगाई है ना वो खराब है। अभी हम रह गए बुआ के घर से सिर्फ एक घंटे की दूरी पे, यानी कि यहाँ से मतलब होगा बस 60-70 किलोमीटर दूर। एंड मैंने बताना चाहता हूँ, जब मैं पीछे रुक के आया था ना वहाँ पे मैंने पानी पीने के लिए रुका था, बट मेरे पास ना तीन बैटरी थे गोप्रो के, तो दोनों डिस्चार्ज हो गए एंड मैंने तीसरा वाला यूज़ किया और तीसरा वाला ना खराब है थोड़ा। बाकी मुझे लग रहा है ना आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। भाई जो तुमने सामने वाले बंदे देखे ना वीडियो बनाने लग रहे थे भाई, उनको लग रहा भाई मैं देख नहीं रहा, बट अच्छा लगता है यार ये सब चीज़ें देख के ना। अब पता है क्या, अगर मैं उनको नोटिस कर लेता तो वो तुरंत वीडियो वगैरह काट देते यार। राहुल चंदू और रोहित यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ऐसी वाणी भी है छोटी सी, बहुत तेज लगी गड्ढे में, गड्ढे में लगी बहुत तेज। नेपाल भाई कहाँ लेके जाऊँ ऐसी फीलिंग यार, मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना व्लॉग में उनके लिए एक नई चीज है। हम फाइनली ये बकवास रास्ता खत्म हुआ भाई, ढाई घंटे से उस रास्ते में चल रहा हूँ और ये अपना आगरा एक्सप्रेस वे है भाई, ऊपर चेक करो। 6 hours later अभी हम फुल रेडी है लखनऊ के लिए। एक्चुअली हम रुक गए थे लखनऊ से पीछे 60 किलोमीटर अराउंड समथिंग रहने वाला है एंड अब जाएंगे सीधा लखनऊ, वहीं पे होम स्टे होगा। एक्चुअली हम सोचे थे पहले रूम रेंट पे लेंगे, बट यार दीदी बहुत गुस्से में है। दीदी कह रही है रूम की कुछ जरूरत नहीं, चुपचाप इधर आ जाओ नहीं तो कल धुलाई हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई अब चल रहे सीधा दीदी के पास।